तो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज मैं दारा सिंह जी का ड्राइंग बनाने वाला हूँ, जो कि गाइस रामायण में हनुमान जी का रोल निभाए थे। आगे हनुमान जयंती आने वाला है, इसलिए गाइस मैं आज उनका मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ। तो गाइस इस एपिसोड में पहले तो मैं आउटलाइन बनाने वाला हूँ। तो गाइस जो रेफरेंस प्रोग आप देख सकते हैं जिसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, तो इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया था फ्लिपकार्ट की मदद से। और यहाँ पर जो ऐप यूज़ करने वाला हूँ, KO ऐप यूज़ करके मैं जो ग्रिड मेकर ऐप उसका यूज़ करके मैं आउटलाइन को बनाने वाला हूँ। तो आउटलाइन मैं ग्रिड मेथड में बनाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर पहले से ही मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के मैं ग्रिड बना चुका हूँ स्केल का यूज़ करके। और लाइट पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैमल का जो 0.5 mm का जो मैकेनिकल पेंसिल आता है उसका यूज़ किया हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बनाया हूँ। जो बॉक्स है, जो बॉक्स का साइज़ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो सेल का साइज 20 mm मीन 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर गाइस हमको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर 100 रियल साइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर साइड भी नंबरिंग है और नीचे साइड भी नंबरिंग में दोनों साइड ऊपर साइड के साइड में दोनों साइड में यहाँ पर नंबरिंग कर चुका हूँ। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब जिस बॉक्स में जो जो पार्ट है फेस की, उस पार्ट को ड्रॉ करना है, हमको आउटलाइन बनानी है। तो यहाँ पर कोई भी आप पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि ये हो गया 5 नंबर बॉक्स में है, और इधर की साइड ही 5 नंबर बॉक्स में है। तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए तो गैस यहाँ पर आए नो जो लिप्स को मैं परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। और स्केल की मदद से मैं यहाँ पर मेयर करके मैं आउटलाइन को बना रहा हूँ, तो परफेक्ट होगा इसलिए। यहाँ पर आउटलाइन के समय आप थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग भी कर लीजिए, क्योंकि आसानी होता है आप जब बाद में शेडिंग करोगे। तो यहाँ पर ग्रिड है इसलिए आपको पता चल जाएगा कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर किस जगह पर कितना शेडो है। तो इसलिए बाद में आपको आसानी होगा जो भी आप शेडिंग करोगे, तो जगह जगह पर आप थोड़ी थोड़ी शेडिंग भी कर लीजिए। तो गैस आउटलाइन तो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो गैस आगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पर शेडिंग करने वाला हूँ। तो किस तरह से शेडिंग करूँगा आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, कौन कौन सी मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ शेडिंग के लिए। तो गैस आउटलाइन किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना, और अपने सजेशन जरूर देना। और आउटलाइन आप जरूर ट्राई करना, इसको बनाना जरूर। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में टैग भी कर सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। तो आगे बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।